नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर आया हूँ हिमाचल प्रदेश के झरने, जलप्रपात एवं बांध से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पोंग बांध किस राज्य में है? ये ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मणिकरण के गर्म जल स्रोत डैश के किनारे पर स्थित हैं? ए ऑप्शन है पब्बर, बी ऑप्शन है पार्वती, सी ऑप्शन है ओहल, डी ऑप्शन है बसपा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, पार्वती। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्न में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे नहीं हैं? तो ए ऑप्शन है तत्ता पानी, बी ऑप्शन है सोल, सी ऑप्शन है वशिष्ठ, डी ऑप्शन है लाल पानी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, लाल पानी। बाकी सभी जगह जो है गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, कुल्लू का कसोल किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है झील के लिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी के झरने के लिए, सी ऑप्शन है हिम तेंदुए के लिए और डी ऑप्शन है गोल्फ मैदान के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, गर्म पानी के झरने के लिए। प्रश्न नंबर पाँच है, ब्यास कुंड कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है खाब, बी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, सी ऑप्शन है शिपकिला, डी ऑप्शन है बारालाचा दर्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन नंबर छः है, हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? ए ऑप्शन है जलप्रताप झरने, बी ऑप्शन है नाले, सी ऑप्शन है नदियाँ, डी ऑप्शन है नदिकाएँ। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है, जलप्रताप झरने। क्वेश्चन नंबर नौ है, प्रश्न नंबर नौ, तत्ता पानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है शिमला और डी ऑप्शन है मंडी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, मंडी। तो प्रश्न नंबर आठ है, खीर गंगा उष्ण जलधारा किस जिले में है? तो ए ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है मंडी, डी ऑप्शन है किन्नौर। तो जो खीर गंगा है वो है कुल्लू में, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर नौ है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है कुल्लू, डी ऑप्शन है चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, शिमला। प्रश्न नंबर दस है, सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा विशिष्ट व्यास नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कुल्लू, डी ऑप्शन है सोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण कब किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1858 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1899 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1903 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1913 ईस्वी में। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 1899 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मणिकरण गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है कुल्लू, डी ऑप्शन है सिरमौर। तो जो मणिकरण है वो है सी ऑप्शन, कुल्लू में। क्वेश्चन नंबर तेरह है, लुंड और ददराणा चश्मे किस जिले में स्थित हैं? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है ऊना। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 14 है, देई कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है डलहौजी, डी ऑप्शन है धर्मशाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, डलहौजी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 और लास्ट प्रश्न है झरने जल प्रताप एवं बांध से। तो जो लास्ट प्रश्न है, रोहला झरना किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है कुल्लू, डी ऑप्शन है शिमला। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन है कुल्लू। तो दोस्तों ये थे हिमाचल प्रदेश के झरने जल प्रताप एवं बांध से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।